हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा, ये आर्म होल के ऊपर है। ये आर्म होल के यहाँ से यहाँ तक हम सीधी लाइन लगाते हैं, ये कितनी लगनी चाहिए चेस्ट के हिसाब से, और ये राउंड है ये कितना आना चाहिए। इस तरह से जब हम आर्म होल की शेप देते हैं, इसी के ऊपर सारा वीडियो है। पूरा डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट रेडी किया है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये चार्ट है हमारा, इस तरह से रेडी किया है। यहाँ पर हमारी चेस्ट आएगी, जितनी भी आपकी चेस्ट है ये यहाँ पर मैंने लिखी है 28 से लेके 48 तक। इसके बाद आर्म होल की कितनी गुलाई हमारी आनी चाहिए इतनी चेस्ट के लिए, और सीधा निशान हमारा यहाँ पर है कितना आना चाहिए ये चेस्ट के हिसाब से। अब देखिए, इसको रख के मैं डायग्राम को बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। चेस्ट हमारी है 28 इंच, तो यहाँ पर होती है हमारी चेस्ट, तो जितनी भी आपकी है उतनी ले लेंगे। तो यहाँ पर 28 इंच है, तो 28 इंच के लिए हमें 4.5 इंच यहाँ से यहाँ तक सीधा निशान लगाना है, और उसके बाद यहाँ से जैसे गुलाई देते हैं नॉर्मल हम उसी तरह देंगे, तो ये हमारा 12.5 से 13.5 इंच रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आप आर्म होल लेंगे तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की फिटिंग भी एकदम बराबर आएगी। इसके बाद इसी तरह से हमारी 30 है, 32 है, इस तरह से आगे आगे चेस्ट बढ़ गई है, तो उसका भी हमारा इसी तरह आएगा। जैसे 30 इंच की चेस्ट है तो ये हमारा सीधा निशान यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 4.5 इंच, यहाँ से सीधा 4.5 इंच लेना है हमें 30 चेस्ट के लिए। और यहाँ से जब गुलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये 13 या 14 बैठ जाएगा, जो हमारा प्रॉपर आएगा जब हम स्टिचिंग करेंगे ड्रेस की, तो एकदम प्रॉपर बैठेगी हमारी बॉडी पे। इसी तरह 32 का है, तो हम अभी 34 जो चेस्ट है उसका लेंगे, तो इसके लिए हमें लेना है 5.25 इंचेस, 5.25 इंचेस तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन हमें 5.25 इंच लेनी है, यहाँ से आएगा यहाँ से यहाँ तक 5.25 इंच लेना है। उसके बाद ये हमें राउंड में शेप देनी है, तो हमारा बैठ जाएगा यहाँ पर 15 या 16 इंचेस। इसी तरह हमारी आगे 38 इंचेस है चेस्ट, तो हमें सीधा यहाँ से 5.25 इंच लेना है, और राउंड में जब करेंगे उसे हम शेप देंगे तो ये हमारा इतना बैठ जाएगा। और इसी तरह हमारा ये लास्ट में 48 इंचेस चेस्ट का है, तो यहाँ पर हमें 7 इंच लेना है सीधे में, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेंगे। जब गुलाई देंगे तो ये हमारा 20.5 या 21 इंच बैठ जाएगा, जो हमारा प्रॉपर है इस छाती के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपने आर्म होल की यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन लेनी है, और उसके बाद यहाँ से हमारा राउंड में प्रॉपर बैठ जाएगा। तो ये चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपका भी आर्म होल प्रॉपर नहीं बैठता है, जो आपको पता नहीं चलता कि हमें कितना लेना है यहाँ से सीधे में, तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, और जब भी आपको जरूरत पड़े इस चार्ट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर देख के आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो प्रॉपर बैठेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।